आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मंडियों में कपास का भाव घट रहा है, ऐसे में उम्मीद थी कि कपड़ों की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कपड़ों की महंगाई मई के मुकाबले जून में अधिक रही है, जबकि उम्मीद थी कि कपास के भाव में गिरावट से कपड़ों के दाम में भी कमी आएगी। मई में कपड़ों की रिटेल महंगाई 8.53% थी, जो जून में 9.19% दर्ज की गई। कपास के कम उत्पादन की वजह से सप्लाई की किल्लत है, और वही किल्लत कपड़ों की महंगाई बनकर सामने आ रही है। इस साल देश में 315 लाख गांठ कपास उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 38 लाख गांठ कम है। वहीं खपत को देखें तो इंडस्ट्री ने 315 लाख गांठ का ही अनुमान लगाया। इससे साफ है कि इस बार उत्पादन और खपत एक समान रहने वाला है। ऊपर से इस साल कुल कपास उत्पादन में से 38 लाख गांठ का एक्सपोर्ट भी हो गया है, यानी उत्पादन में जितनी कमी उतना कपास देश से बाहर जा चुका है। यही वजह है कि देश में कपास की किल्लत हो गई है। कपड़ा इंडस्ट्री को अब नई फसल से उम्मीद है, लेकिन नई फसल भी सितंबर के बाद ही मंडियों में आएगी, और तब तक कपास का बचा हुआ पिछला स्टॉक भी सिकुड़ जाएगा। हालांकि इस बार कपास के रकबे में बढ़ोतरी हुई है, जिससे थोड़ी राहत की उम्मीद है। पिछले साल अक्टूबर में जब नई फसल मंडियों में आना शुरू हुई थी, तब तक कपास का पुराना स्टॉक करीब बता दे कि 72 लाख टन था, और इस साल पुराना स्टॉक घटकर 47 लाख गांठ रहने का अनुमान है। हालांकि इस साल कपास की खेती पिछले साल से आगे चल रही है। 29 जुलाई तक देश भर में 117 लाख हेक्टेयर में ज़्यादा कपास की फसल दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 111 लाख हेक्टेयर में फसल लगी थी। कपास का बढ़ा हुआ रकबा इस साल उपज बढ़ाने की उम्मीद बढ़ा रहा है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब मौसम साथ देगा, और आशंका है कि कई जगह पर खराब मौसम की वजह से फसल पर असर पड़ा है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान जैसे प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में इस साल सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तेलंगाना में तो दोगुनी बरसात हो चुकी है। समय रहते अगर मौसम की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कपास की फसल को नुकसान पहुंच सकता है, और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कपास आयात बढ़ाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।